नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से आज जो है दो नोटिफिकेशन जो है जारी की गई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए इस वीडियो में रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे तीन पोस्ट कोड के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल दोबारा से ओपन किया गया है, तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए किया गया है और क्यों ओपन किया गया है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और एक पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो रिजल्ट किया गया है, तो कौन सी पोस्ट का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो रिजल्ट जारी किया गया है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे ऑफिशियली। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 22 मई 2024 को प्रेस नोट जारी किया गया है HPPSC शिमला की तरफ से। बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेरिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 गेस्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश, फॉलोइंग कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आर बीइंग रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे नियम पोस्ट जो रहने वाली है सेरिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट थी, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दो थी, जनरल की एक थी और SC ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक पोस्ट थी। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कॉल किए गए थे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 14 कैंडिडेट्स, और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये 22 मई 2024 को था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज बींग रिकमेंडेड एंड रिमेंड वेकेंट पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी रिकमेंडेड। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए हैं, दो ही पोस्टें थी, जनरल की थी और SC ऑफ हिमाचल प्रदेश की थी, तो उनके नाम और रोल नंबर यहाँ पे बता रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही जो रिजल्ट है ये जारी किया गया है। तो द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स बी रिकमेंडेड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी जो है HPPSC.gov.in इस वेबसाइट में जाकर आपको अवेलेबल जो है रहेगा। और यहाँ पे यही एक रिजल्ट जारी किया गया था आज। और जो अदर अपडेट है, अदर नोटिफिकेशन है, वो आपको बताते हैं, तीन पोस्ट कोड के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये भी नोटिस जारी किया गया है 22 मई 2024 को। तो यहाँ पे जो तीन पोस्ट कोड थे जो हमीरपुर बोर्ड की जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, तो उसमें ये कौन कौन से पोस्ट कोड हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयुर्वेदा फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट भरी जानी थी, 41 पोस्टें भरी जानी थी, और 42 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की भरी जानी थी, और 37 पोस्टें जो हैं ये जूनियर ऑडिटर की भरी जानी थी। क्लास 3 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये भरी जानी थी, फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट जो है वो दिया जाना था। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द प्रिस्क्राइब्ड फी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अर्लियर टू दीज पोस्ट इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है ये 5/2022, और ये जारी की गई थी एडवर्टाइजमेंट 24/9/2022 को। और ये HPSSC हमीरपुर के अंडर जो पोस्ट कोड थे 1025, 1036 एंड 1072। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो आपने HPSSC हमीरपुर में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, तो अब जो है इसके एग्ज़ाम जो कनेक्ट करवाएगा ये HPPSC शिमला कनेक्ट करवाने जा रहा है। तो अभी जो है ये शिमला जो कमीशन है इसकी तरफ से जो ये अपडेट आई है, तो यहाँ पे जो फीस डिपॉजिट के लिए जो पोर्टल जो है वो ऑनलाइन पोर्टल रीओपन किया गया है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जिन कैंडिडेट्स की जो फीस है वो डिपॉजिट नहीं हुई है, यहाँ पे लिख रखा हैज़ नॉट बीन फाउंड डिपॉजिट एज पर डिटेल गिवन इन एनेक्सर A, B एंड C, तो ऑल दीज कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द प्रूफ ऑफ हैविंग डिपॉजिट द फीस। तो अगर जिन्होंने हमीरपुर बोर्ड में जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और इनकी जो फीस है वो सबमिट हो चुकी थी, उन्होंने कर दी थी सबमिट, और उनके पास अगर प्रूफ है तो वो आपको जो है शो करना पड़ेगा। और जिनकी फीस जो है सबमिट नहीं हुई थी, तो उनको जो है फीस सबमिट करनी पड़ेगी अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, इसलिए जो है आपको मौका दिया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन जो मौका है आपको कमीशन की ओर से मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो आपको प्रूफ जो है वो सबमिट करना होगा डिपॉजिटेड फीस का, अगर आपकी फीस उस टाइम सबमिट हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इन केस दे हैव नॉट डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो फीस उन्होंने बोली है वो अगर सबमिट नहीं करोगे आप, तो कमीशन जो है वो हैज़ अलाउड 7 डेज टाइम टू डू सो। तो 7 दिन का जो है आपको समय जो है दिया गया है। तो ये पोर्टल जो वेबसाइट है ये ओपन किया गया है, और ये आपको पोर्टल 28/5/2024 तक जो है ओपन रहेगा फीस सबमिट के लिए, उसके बाद डिसेबल कर दिया जाएगा। और अदर जो टर्म एंड कंडीशंस है एडवर्टाइजमेंट की वो चेंज नहीं करी गई हैं। और अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक
फार्मेसी ऑफिसर पोस्ट कोड 1025। तो एनेक्सर ए बी सी जो मैंने आपको ऊपर बताया वो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स के नेम, फादर्स नेम और फीस स्टेटस यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे जिन्होंने रोम क्लेम की थी फीस, और जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई थी, तो उनके जो है रिजेक्ट किए गए हैं यहाँ पे, कैंडिडेट्स के नेम यहाँ पे रिजेक्टेड लिस्ट में डाले गए हैं। तो इनको जो है, अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने फीस सबमिट की है उस टाइम, तो आपको शो करना पड़ेगा। या जिन्होंने यहाँ पे नीचे बताया भी गया है कि फीस जो है नॉट पेड, तो यहाँ पे जिन्होंने नहीं पे की है तो उनको मौका दिया जा रहा है फीस पे करने का, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में ना डाला जाए। तो यहाँ पे आपको जो है ये कमीशन की वेबसाइट में भी आप पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए जो है जारी की गई रिजेक्शन लिस्ट, और ऐसे ही जो है आगे इन्होंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है तीनों पोस्ट कोड के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।